जसमीत और गौरव, इतने पीछे में बैठो यार, यहाँ खाली पड़ी है सीटें। सरफेस एनर्जी हमने लास्ट टाइम किया था, एक बार फिर से मैं करवाना चाहता हूं, क्योंकि घर जाके तो आप बिना पेपर के भी नहीं पढ़ते, अब तो फिर भी आपके पेपर चल रहे हैं, तो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, तो रिवीजन तो बनती है थोड़ी सी। तो सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आज का पूरा लेक्चर सरफेस एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। सरफेस एनर्जी की जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि अकॉर्डिंग टू सरफेस एनर्जी, दिस इज वर्क डन इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया, और दिस इज वर्क डन इन डिक्रीजिंग सरफेस एरिया अपॉन डिक्रीज इन सरफेस एरिया। यहां तक क्लियर है? तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन थी। पॉइंट नंबर वन हमने डिस्कस किया था कि अगर हम वर्क डन वर्ड यूज कर रहे हैं तो किसने वर्क डन किया, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन कि अगर हम एरिया, सरफेस एरिया चेंज कर रहे हैं तो हम किसका चेंज कर रहे हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन, सरफेस एनर्जी का फायदा क्या है, ये थर्ड क्वेश्चन है जो हम एक बार फिर से देखेंगे। इसके लिए समझने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें एक फ्रेम है, ये मूव नहीं कर सकता, फिक्स्ड है, और ये एक रॉड है, ये रॉड इसके ऊपर मूव कर सकती है, फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन नहीं है, ज्यादा क्लियर है? तो इसमें मैंने इस पूरे सिस्टम को सोप फिल्म के अंदर डिप कर दिया, तो यहां पर एक सोप की फिल्म आ गई, हमने डिस्कस किया था। और अगर यहां पर सोप की फिल्म आ गई तो सरफेस टेंशन आ गई, क्योंकि एयर के कॉन्टेक्ट में लिक्विड, तो सरफेस टेंशन आ गई, और ये सरफेस टेंशन क्या करेगी, इसके एरिया को, सोप फिल्म के एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी, और जब मिनिमाइज करेगी तो ये रॉड लेफ्ट की तरफ मूव करना शुरू कर देगी, ये अपना एरिया क्या कर लेगी, कम कर लेगी, रॉड क्या करेगी, रॉड इनसाइड आ जाएगी, और फाइनली लेट से रॉड यहां पर आ गई, एरिया कम कर दिया, रॉड की लेंथ एल है, एल है, और ये डिस्टेंस कितना है, एक्स है, यहां तक क्लियर है? तो एरिया कितना कम हुआ, एल इंटू एक्स, और कम क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, कोई डाउट इस, यहां तक बिल्कुल क्लियर है? आगे अब इसके अंदर रॉड के केस में अगर मैं वर्क डन की बात करूं, मैं सरफेस एनर्जी निकालना चाहता हूं, वर्क डन इन डिक्रीजिंग सरफेस एरिया अपॉन डिक्रीजिंग सरफेस एरिया, तो वर्क डन इन डिक्रीजिंग सरफेस एरिया, वर्क डन क्या होता है, न्यूमिनेटर पुट कर रहा हूं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और आपकी रॉड कितना डिस्प्लेस कर गई, ठीक हो गया यहां तक, ये हमने लास्ट टाइम किया था, ठीक है यहां तक, डिवाइडेड बाई एरिया कितना चेंज हुआ, एल इंटू एक्स, जो एरिया चेंज हुआ वो कितना चेंज हुआ, एल इंटू एक्स, क्लियर है यहां तक? अब सरफेस टेंशन इक्वल की टी, टी क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, और फोर्स कहां पर लग रही है, एल लेंथ पे लग रही है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या, टी इंटू एल, तो भी काम करते हैं, एफ की जगह पुट कर देते हैं, टी इंटू एल इंटू एक्स अपॉन एल इंटू एक्स, यहां तक भी क्लियर है, कोई डाउट इसमें? लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर सोप की फिल्म है, सोप की फिल्म में मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, जैसे मेरा हाथ एक सोप की फिल्म है, तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूल्स हैं, और हमने ये डिस्कस किया था कि अगर सोप की फिल्म है, इधर भी मॉलिक्यूल्स हैं, मेरे हाथ के ऑपोजिट भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स, आगे और पीछे के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं,
تو میں نے ایسے ایکسپلین کیا تھا کہ جیسے آپ سب مالیکیولز ہی مالیکیولز ہو, سوپ فلم ہو, سوپ فلم بہت پتلی ہوتی ہے, آپ بہت پتلے ہو اور آپ سب بیچ میں مالیکیولز ہو, یہ وہ مالیکیولز ہیں جو ایئر کے کانٹیکٹ میں ہیں اور وہ مالیکیولز ہیں جو اس ایئر کے کانٹیکٹ میں ہیں. آپ بیچ والے مالیکیولز کے اوپر نیٹ فورس کیا ہوگی, ہر طرف سے زیرو, کیونکہ آپ کو پانی ہر طرف کھینچے گا, لیکن آپ ایئر کے کانٹیکٹ میں ہو, آپ آخری بھی ایئر کے کانٹیکٹ میں ہو, آپ کو پانی زیادہ کھینچے گا, ایئر کم کھینچے گی, تو آپ اندر کی طرف ہو جاؤ گے. ایسے آپ لوگ بھی انسائڈ ہو جاؤ گے کیونکہ پانی آپ کو زیادہ کھینچے گا اور ایئر آپ کو کھینچ نہیں پائے گی. جب آپ اندر کی طرف ہوگے تو آپ روڈ کو اپنی طرف کھینچ لو گے, اس لیے روڈ اندر آئی تھی. تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سرفیس ٹینشن یہاں پر بھی ہے اور سرفیس ٹینشن وہاں پر بھی ہے. تو کتنی سرفیس ٹینشن ہے؟ دو. ہم نے ایک ورڈ یوز کیا تھا, فری سرفیس. پانی کی وہ سرفیس جو ایئر کے کانٹیکٹ میں ہے اس کو فری سرفیس بولتے ہیں. اور یہاں ببل کے کیس میں ادھر والی سرفیس بھی ایئر کے کانٹیکٹ میں اور پیچھے والی سرفیس بھی ایئر کے کانٹیکٹ میں, تو کتنی فری سرفیسز ہیں؟ دو. تو کتنی سرفیس ٹینشنز ہیں؟ دو. تو کتنی فورسز لگ رہی ہیں؟ دو. تو ورک ڈن بھی کے کیس میں کیا ہو جائے گا؟ ٹوائس. ٹوائس سمجھ آیا, کیونکہ سرفیس ٹینشن دو بار, تو ورک ڈن بھی دو لوگ کر رہے ہیں, یہ مالیکیولز بھی کر رہے ہیں اور وہ لوگ مالیکیولز بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا یہاں تک؟ تو ایریا بھی چینج ہو رہا ہے, انہوں نے ایریا چینج کیا ایل انٹو ایکس, انہوں نے بھی ایریا چینج کیا ایل انٹو ایکس, کیونکہ روڈ جب اندر کی طرف ہو گئی تو یہ بھی ایریا چینج کر رہے ہیں, وہ بھی ایریا چینج کر رہے ہیں, تو یہاں پر 2 آ گیا. حالانکہ فرق کوئی نہیں پڑا پر کانسیپٹ صحیح ہونا چاہیے. تو ان دی اینڈ آنسر کیا آنا ہے؟ ڈی آئے گا. تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو سرفیس انرجی ہوتی ہے وہ نیومیریکلی کس کے ایکول ہوتی ہے؟ سرفیس ٹینشن کے ایکول ہوتی ہے. کوئی ڈاؤٹ اس میں؟ ٹھیک ہو گیا. اور فائنلی میں نے اس میں کچھ ایگزامپل لیتے ہیں فری سرفیسز سمجھنے کے لیے, کس میں دو لینے ہیں, کس میں ایک لینے ہیں. فار ایگزامپل, آپ کے پاس ایک ڈراپ ہے, ایک پانی کا ڈراپ ہے. جب پانی کا ڈراپ ہے تو باہر کیا ہے؟ ایئر ہے. تو اس کیس میں سرفیس ٹینشن صرف باہر باہر ایکٹ ہوگی, اندر سرفیس ٹینشن ایکٹ نہیں کرے گی, اندر سرفیس ٹینشن ایکٹ نہیں کرے گی. تو کتنی سرفیس ٹینشن لی جائے گی اس کیس میں؟ ایک. کتنی فری سرفیس ہے؟ ایک. اندر تو پانی ہے, پانی کے اندر سرفیس ٹینشن نہیں ہوتی, تو ایک فری سرفیس ہے. لیکن اگر یہی کوشچن کس کا ہو گیا؟ ببل کا. ببل کے کیس میں اندر بھی ایئر ہے اور باہر بھی ایئر ہے. سرفیس ٹینشن کی پراپرٹی اندر بھی ہے, سرفیس ٹینشن کی پراپرٹی باہر بھی ہے. تو کتنی فری سرفیس ہے؟ ٹو. تو یہاں سرفیس ٹینشن ٹی نہیں, سرفیس ٹینشن کتنی یوز کرنی ہے؟ دو. ٹو ٹی. ٹھیک ہے یہاں تک؟ مطلب دو بار ٹوائس فیکٹر لگے گا اس میں, ٹو فیکٹر لگے گا اس میں, جو سرفیس ٹینشن کی پراپرٹی اندر بھی لگ رہی ہے اور آؤٹ سائڈ بھی لگ رہی ہے. دو. میں نیومیریکل کر کے دکھاؤں گا آپ کو, دو اور ایک کیسے یوز کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا. نیکسٹ تھرڈ کیس لیتے ہیں. اگر آپ کا ایک ببل ہے, ببل کس میں پڑا ہوا ہے؟ لیٹس سے پانی میں پڑا ہوا ہے, پانی میں پڑا ہوا ہے ببل. اب سرفیس ٹینشن باہر تو ہوگی نہیں, باہر تو پانی پانی ہے, سرفیس ٹینشن کہاں پر ہوگی؟ اندر ہوگی, کیونکہ اندر کیا ہے؟ ایئر, اور باہر کیا ہے؟ واٹر. تو کتنی فری سرفیس ہیں؟ ایک. تو سرفیس ٹینشن کی ویلیو ایک. آئیڈیا پتا لگ رہا ہے؟ یہ پوائنٹ کلیئر ہے؟ تو کس میں دو, کس میں ایک, یہ چیز بس یہی کوشچن آتے ہیں. تو اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ تو آپ یاد بھی کر سکتے ہیں. اور فری سرفیس کا تھوڑا سا آئیڈیا پتا لگ, یہ فری سرفیس ایگزیکٹلی اس کا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک. نیکسٹ چلیں. کوشچن کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ میں آپ کو تین کوشچنز کے ایگزامپل دوں گا, پھر باقی وہ کوشچنز آپ خود کرنا. بولو. ویکیوم میں دیکھو, ویکیوم کے اندر نارملی سرفیس ٹینشن ہوتی ہے, ہوتی ہے, کیونکہ پانی ہی پانی ہے, الٹا اور بھی اچھا ہے, ایئر بالکل بھی کھینچ نہیں پائے گی اور اسپیریکل ہو جائے گا. تو فری سرفیس کیوں نہیں ہوتی؟ ایئر مینس ہم نارمل ایکسپیریمنٹ ایئر کے ساتھ کرتے ہیں. ہم میں کتنا عجیب لوگوں کا بولتا ہوا کہ ویکیوم ہے باہر, آپ کو سر ویکیوم بیچ میں کیسے آ گیا؟ تو ویکیوم ایئر ایک ہی بات ہوتی ہے. جو ہم فزکس پڑھتے ہیں نا, ہم نارملی بول دیتے ہیں کہ ویکیوم ایئر ایک ہی بات ہے. ہاں, جب تک ایکسیپشنلی مجھے پوائنٹ آؤٹ نہ کرنا پڑے کہ چیزوں میں فرق آنا نہ شروع ہو جائے کہ ویکیوم میں کچھ اور آنسر ہے, ایئر میں کچھ اور آنسر ہے, نہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا یہاں تک؟ تو ابھی اس کے بعد تین نیومیریکلز کے ٹائپس بتا رہا ہوں آپ کو. آپ کا کوشچن اگر آئے گا تو یہی کوشچن آئے گا. دیکھو کیا,
पहला इसका टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि आपको कुछ छोटे छोटे ड्रॉप्स देगा। लेट से 8 ड्रॉप्स दिए पानी के और कहा इनको कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बना लो, और आपको क्वेश्चन में यह कहेगा हर छोटे ड्रॉप का रेडियस स्मॉल आर है और बड़े ड्रॉप का रेडियस आपको नहीं देगा। ठीक है, यहां तक कंबाइन होके बड़ा ड्रॉप बन गया। तो उस केस में सबसे पहली चीज वॉल्यूम की वैल्यू क्या रहेगी दोनों में। तो पहले वॉल्यूम कितने 8 × 4/3 × π × r³, 4/3 × π × R³। तो यहां से कैपिटल R इज 2 times स्मॉल R। तो एटलीस्ट अगर स्मॉल R पता है, यहां से कैपिटल R कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें समझ आ रहा है? तो यहां से कैपिटल R कैन बी कैलकुलेटेड। अगर स्मॉल R देगा तो कैपिटल R निकल जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा रादर क्वेश्चन दो तरीके से आएंगे, ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं। इधर देखो, पहला या तो आपको 8 ड्रॉप्स देगा और कहेगा 8 ड्रॉप्स मिल गए बड़ा ड्रॉप बन गया, या फिर देगा एक बड़ा ड्रॉप था जिसका रेडियस आर है उसको तोड़ के आपने कुछ ड्रॉप्स बना दिए। उल्टा छोटे छोटे ड्रॉप्स को इकट्ठा करोगे ना अपने आप बड़ा बन जाएगा, आपको जोर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको एक बड़ा स्फेरिकल ड्रॉप दूं उसको छोटे ड्रॉप्स अपने आप बनेंगे? अपने आप कभी नहीं बनेगा, आपको वर्क डन करना पड़ेगा तो उसके ड्रॉप्स बनेंगे। आप चाहे उसको जोर की मारो और उसको तोड़ो जो मर्जी करो, बट ड्रॉप्स तभी बनेंगे जब आप एक्सटर्नल क्या करोगे, वर्क डन करोगे। यानी कि अगर मैथ्स के अकॉर्डिंगली इन दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। लेकिन मैथ्स के अकॉर्डिंगली इसका सरफेस एरिया अकेले का एंड इन सब का सरफेस एरिया क्या सेम रहेगा? नहीं सेम रहेगा। एन ड्रॉप्स का सरफेस एरिया एक ड्रॉप के सरफेस एरिया से हमेशा बड़ा होगा, याद रखना आपने। छोटे छोटे ड्रॉप्स का सरफेस एरिया एक बड़े ड्रॉप के सरफेस एरिया से हमेशा बड़ा ही होगा। कोई डाउट इसमें? समझ आ रहा है? ठीक। इट मींस कि अगर मैं क्या कर रहा हूं, एक बड़े ड्रॉप को छोटे ड्रॉप्स में मैं तोड़ रहा हूं, तो बोलो मैं सरफेस एरिया क्या कर रहा हूं? मैं सरफेस एरिया को क्या कर रहा हूं यार? इंक्रीज कर रहा हूं। अगर बड़े ड्रॉप को छोटों में तोड़ रहा हूं तो छोटों का सरफेस एरिया बड़ा होता है ना, मतलब मैं सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा हूं। और वैसे भी एक तो बड़ा कॉमन रूल है ना, मैंने अगर वर्क डन कर दिया तो मैं तो सरफेस एरिया इंक्रीज ही करूंगा। सरफेस टेंशन ने वर्क डन किया तो वो सरफेस एरिया हमेशा मिनिमाइज डिक्रीज करेगी। सरफेस एरिया कम तो अपने आप हो जाता है पर ज्यादा आपको करना पड़ता है। ठीक है, अब उसी तरीके से जो पिछला क्वेश्चन है इसमें सरफेस एरिया इसका ज्यादा इससे, इट मीन्स मैं ऐसे क्वेश्चन में सरफेस एरिया को इंक्रीज नहीं, सरफेस एरिया को क्या कर रहा हूं? डिक्रीज। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस केस में? कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ठीक। एक इंपॉर्टेंट चीज और सुनो, जब ये वाला क्वेश्चन था बड़े से छोटा, जब मैं सरफेस एरिया क्या कर रहा हूं? इंक्रीज, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, मींस एक्सटर्नल वर्क डन हैज टू बी अप्लाइड। ठीक है ना, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। लेट से मैं 10 जूल का वर्क डन किया, मान लो अगर मैं एक बड़े ड्रॉप पे 10 जूल का वर्क डन करता हूं तो बड़ा ड्रॉप 8 ड्रॉप्स में टूट जाता है। कितना वर्क डन किया? 10 जूल। एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं। उल्टा आ जाओ, अगर मैं उन 8 ड्रॉप्स को अब मिला दूं, अपना मिल गए तो उनको उनके ऊपर वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, उनमें से 10 जूल की एनर्जी रिलीज होगी, उल्टा हो जाएगा। याद रखना, जब बड़े ड्रॉप को तोड़ा जाता है तो वर्क डन किया जाता है, जब छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलते हैं तो उनमें से एनर्जी रिलीज होती है, उल्टा प्रोसेस होता है। तो मेरा क्वेश्चन क्या था? छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलके बड़ा ड्रॉप बना, तो ऐसे केस में मैं ये बोल सकता हूं कि एनर्जी क्या होगी इस केस में? रिलीज हो जाएगी। ठीक है ना यहां तक? और अगर उल्टा क्वेश्चन आएगा,
कि बड़े ड्रॉप को तोड़ने तो वर्क डन करना पड़ेगा. तो ये दो टर्म बड़ी कॉमन है. कई बार क्वेश्चन में एनर्जी की वैल्यू पूछेगा एंड दिस एनर्जी इज नॉट सरफेस एनर्जी. मैं सरफेस एनर्जी नहीं पूछ रहा हूँ, सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन होती है. मैं आपकी अप्लाइड एनर्जी पूछ रहा हूँ कि आपने कितनी एनर्जी लगाई उसको तोड़ने में. डिफरेंस है दोनों में. ये सरफेस एनर्जी आम एनर्जी नहीं होती, सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन ही होती है. मैं आपकी एनर्जी आपका वर्क डन पूछ रहा हूँ तोड़ने में कितना लगा. क्लियर है यहाँ तक? तो एनर्जी रिलीज होगी. तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो देखें. तो अगर छोटे छोटे आठ ड्रॉप्स बड़ा ड्रॉप बना गए तो कैपिटल आर टू आर के इक्वल अभी मैंने किया निकाला, स्मॉल आर गिवन होगा कैपिटल आर आ गया. तो मुझे पता है और ये एक चीज गिवन होगी सरफेस टेंशन. आपको क्वेश्चन में सरफेस टेंशन की वैल्यू गिवन होती है हमेशा लिक्विड की. सरफेस टेंशन इज इक्वल टू व्हाट? मैंने स्टडी करवाया हुआ है वर्क डन इन डिक्रीजिंग सरफेस एरिया अपॉन डिक्रीज इन सरफेस एरिया. या वर्क डन की जगह मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं? एनर्जी मींस इसको ऐसे लिख सकता हूं, या तो वर्क डन की फॉर्म में लिखो या वर्क डन की जगह एनर्जी रिलीज्ड इन डिक्रीजिंग सरफेस एरिया अपॉन डिक्रीज इन सरफेस एरिया. समझ आ गया ना यहां तक? एक ही बात है, वर्क डन और सरफेस और एनर्जी एक ही बात है. कोई डाउट इसमें? समझ आ रहा है यहां तक? क्लियर? ठीक. तो अगर क्वेश्चन में आ गया तो बोलो कितनी एनर्जी रिलीज हुई ऐसे प्रोसेस में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना. तो एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू टी इंटू व्हाट? डिक्रीज इन सरफेस एरिया. टी इंटू व्हाट? पहले सरफेस एरिया कितना था? 4 पाई छोटा आर स्क्वायर इंटू 8. अब कितना हो गया? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. क्योंकि अभी हमने क्या किया, छोटे छोटे ड्रॉप्स को मिला के बड़ा ड्रॉप बनाया. तो छोटे ड्रॉप्स का एरिया कितना था? इतना था 8 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. और बड़े ड्रॉप का कितना है? 4 पाई इंटू कैपिटल. दिस इज डिक्रीज इन सरफेस एरिया. कोई डाउट इसमें? समझ में आ रही है बात? ये चीज क्लियर है? तो यहां से एनर्जी रिलीज की वैल्यू आ जाएगी.
समझ आ गई यहाँ तक? क्वेश्चन यहाँ पर रुका नहीं, न्यूमेरिकल आएगा। आपने सपोज एनर्जी रिलीज निकाल दी, मान लो सारी न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करके आंसर 10 जूल आ गया, मान लो मैं न्यूमेरिकल वैल्यू दूंगा 10 जूल आंसर आ गया। क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन के अंदर ये होगा, अगर आपके ड्रॉप मिले, बड़ा ड्रॉप बना, बड़ा ड्रॉप जैसी बना उसे भागना शुरू कर दिया विद सम वेलोसिटी, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि इसको क्या, उसने क्या रिलीज की? एनर्जी। उस एनर्जी से उसने मूव करना शुरू कर दिया, तो फाइंड वेलोसिटी। तो जो एनर्जी रिलीज आई आपके पास, जो एनर्जी रिलीज आई उसको आपने क्या करना है? हाफ एम वी, वी निकाल लेना आंसर। समझ में आई बात? जो भी होगा, जो कहेगा वो कर देंगे हम अपने आप, ठीक है ना? यहां तक हम मास आपको गिवन होगा, उसकी टेंशन मत लो। इसको न्यूमेरिकल करेंगे अभी थोड़ी देर में, मतलब न्यूमेरिकल के साथ करेंगे, बट कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या करना है। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आएगा इसमें वो आएगा, एक बड़ा ड्रॉप था ऑफ कैपिटल आर गिवन, और सपोज 8 ड्रॉप्स में मैंने इसको तोड़ दिया, 8 या एन ड्रॉप जो भी होगा, स्मॉल आर की वैल्यू नहीं गिवन होगी, कोई बात नहीं मैं निकाल लूंगा। इन दोनों का वॉल्यूम को मैं क्या कर लूंगा? इक्वेट। जब मैं इक्वेट करूंगा तो कैपिटल आर इज 2 टाइम्स स्मॉल आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाय स्मॉल आर आ गया। कोई डाउट इसमें? उसके बाद क्वेश्चन आएगा, आपने कितना वर्क डन किया ये करने के लिए? तो आपने कितना वर्क डन किया ये करने के लिए? वर्क डन अपॉन, इसमें एरिया को क्या कर रहे हो? इंक्रीज इन एरिया सरफेस टेंशन। तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी? टी इंटू इंक्रीज इन एरिया, या फिर टी इंटू इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ? एन इंटू सॉरी 8 इंटू 4 पाई छोटा आर स्क्वायर माइनस कैपिटल स्क्वायर। ये पॉइंट सबको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? डिक्रीज या इंक्रीज इन एरिया तो दोनों न्यूमेरिकल्स में सेम ही है, उसमें क्या फर्क है? रादर पूरा न्यूमेरिकली सेम है, बस एक में वर्ड यूज करना है वर्क डन, एक में वर्ड यूज करना है एनर्जी रिलीज, और तो कोई चेंज नहीं है, सारा न्यूमेरिकल सेम है। समझ में आ रही है बात? हरमन समझ आ रहा है? यूलिया ठीक है। तीसरा न्यूमेरिकल जो शायद लास्ट टाइम बताया भी था, अगर मान लो कोई बबल है या कोई ड्रॉप है, जो मर्जी मान लो ड्रॉप है, उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर था, सरफेस टेंशन टी गिवन है, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर कर दिया, यानी कि एरिया को 4 बाय 2 स्क्वायर से 4 पाए ये कर दिया, एरिया की वैल्यू इस केस में क्या हो गई? इसका मतलब इंक्रीज हो गई। कैसे किया? मान लो मुंह से इस ड्रॉप को फुला रहा हूं, मुंह से, तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूं या किसी टैप से फुला रहा हूं, किसी से भी, तो वर्क डन करना पड़ा इसको एरिया को इंक्रीज करने के लिए, कितना वर्क डन करना पड़ा? तो टी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन एरिया। तो प्लीज यहां से वर्क डन निकाल लेना आंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। मेथड क्लियर है? समझ आ रहा है? ठीक है, कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 2 अपने हाथ से करो। आपने याद नहीं करना सरफेस टेंशन इज एफ अपॉन 2L, याद नहीं करना फोर्स अपॉन लेंथ। मैं न्यूमेरिकल से समझाऊंगा लेंथ चेंज कैसे होती है।
a drop jiska diameter capital D hai breaks up into 27 tiny drops. Find the resulting change in energy. देखो, तो इसमें एक drop है जिसका diameter D है, तो इसका radius कितना है? D by 2. और इसको कितने drops में तोड़ दिया हमने? 27. तो इसका let's say diameter कितना है? Small d. तो radius कितने छोटे drop का? D by 2. सबसे पहला step. Volume क्या रहेगा? Same. अगर volume same रहेगा तो 4 by 3 by d by 2 का cube is 27 times 4 by 3 pi small d by 2 का cube. ठीक है ना, 4 by 3 pi r cube, 4 by 3 pi r cube. यहां से solve कर लो, capital D की value solve करने पे आ रही है 3 times small d. यहां से small d की value आ गई capital D by 3. तो छोटे drop का diameter आ गया. पहला step clear है? क्या करना है क्वेश्चन में, क्या निकालना है? वर्क डन, चेंज इन एनर्जी या वर्क डन, या एनर्जी निकालनी है, वर्क डन निकालना है. इसका मतलब एरिया क्या हो रहा है? इसमें इंक्रीज हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है. तो टेंशन टी है इज इक्वल टू, ऐसे करते हैं यहां लिख लेते हैं चेंज इन एनर्जी या वर्क डन एक ही बात है, डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन एरिया. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें change in energy is T into increase in area, या फिर T into surface area. एक बड़े drop का क्या था? 4 pi इसका square minus 27, नहीं 27 drops का बड़ा होता है, तो 27 into, ठीक लिख रहा हूँ ना, ठीक लिखा, दिस इज चेंज इन एरिया, 27 ड्रॉप्स का एरिया माइनस 1 ड्रॉप का एरिया. डाउट है गरिमा? ये वाला स्मॉल आर डायमीटर बाय 2 होता है. सुनो, बड़े ड्रॉप का डायमीटर डी था, छोटों का कितना है? Small d. इसका एरिया कितने है? 4 pi r square, r की जगह d by 2 square. रेडियस हो गया ना, ये भी इसका रेडियस हो गया. एक एक चीज सुन लो आखिरी, शायद वहां से आपका आंसर मिल जाए. स्मॉल d की फॉर्म में आंसर लिखना नहीं, स्मॉल d को पुट कर लेना. कितना? 3, कितना ही है? d by 3. तो स्मॉल डी को ये रहा, इसको पुट कर ले यहां पे, आंसर आ जाएगा. ठीक है, अगला स्टेप है, पर स्मॉल डी की फॉर्म में तो क्लियर है ना, तो स्मॉल डी को क्या पुट कर देना है? कैपिटल डी बाय 3. सब कुछ पहले रेडियस की फॉर्म में कर लो, फिर डायमीटर की फॉर्म में कर दो, एक ही बात है, वो तो मैथ्स है यार. वो गिवन है क्वेश्चन उसी की फॉर्म में, कैपिटल डी गिवन है तो कैपिटल डी की फॉर्म में ही निकलेगा. यहां तक क्लियर है? निकाल लोगे आंसर मल्टीप्लाई करके, जो भी आएगा बस आंसर निकाल लेना. नेक्स्ट है फोर्थ, अब पता लग जाएगा कि लेंथ क्या लेनी होती है.
देखो इसमें यही करना है, कैलकुलेट फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक अवे अ प्लेट फ्लैट प्लेट ऑफ रेडियस गिवन फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर। सरफेस ऑफ वाटर पे सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं तो प्लेट उसके ऊपर है, प्लेट को खींचना है, तो अगर प्लेट को खींचना है तो फोर्स लगानी पड़ेगी, फोर्स सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ। अब यहां पर प्लेट का सर्कमफ्रेंस कितना होगा उसकी लेंथ के इक्वल, यानी कि 2πr। तो अगर कोई स्क्वायर होता तो 4l हो जाता, रेक्टेंगुलर शेप होता 2 × l + b हो जाता, उसका सर्कमफ्रेंस लेना है। तो जो भी यहां से फोर्स आएगी इतने टाइम्स की फोर्स आपको अगेंस्ट सरफेस टेंशन लगानी पड़ेगी उसको खींचने के लिए। तो इसमें नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा इसमें ये करना, अभी भी करवाया था इसका, आंसर। देखो कैलकुलेट वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल फ्रॉम रेडियस ऑफ 2 cm to 3 cm। अभी मैं क्वेश्चन करवाया था 2 cm रेडियस है और 3 cm रेडियस तक लेके जाना है, तो एरिया यानी कि क्या करना है, इंक्रीज करना है। सो सरफेस टेंशन गिवन है क्वेश्चन में, वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन एरिया 2π × कितने सेंटीमीटर, कितना चेंज हो रहा है 2 × 3, तो ये लो ठीक है, एरिया चेंज इज इक्वल टू सरफेस टेंशन कितनी है 30 यूनिट्स, देखना 30 डाइंस है, सीजीएस है, सबको सही है यूनिट, यानी कि ये भी सीजीएस है, ये भी सीजीएस है, ये भी सीजीएस, सब सही। तो यहां से वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी कितनी
30 इंटू 2 पाई 3 का स्क्वायर माइनस 2 पाई इंटू 2 का स्क्वायर, क्या आंसर आ रहा है? कितना आ रहा है? 18 पॉइंट समथिंग, जो मैंने सॉल्यूशन शीट दी हुई है उसमें इतना नहीं आ रहा, उसमें 35 36 के करीब आ रहा है, नहीं हो रहा ना? गलती है इसमें, एक गलती है। फ्री सरफेस कितनी है? 2। आप एयर के बबल को ब्लो कर रहे हो, लेकिन बबल है बबल, बबल के अंदर भी एयर है, बबल के बाहर भी एयर है, तो इसका मतलब यहां फैक्टर क्या लगाना चाहिए मेरे को? 2। ये मत भूल जाना, अगर ये ड्रॉप होता तो 2 ना आता, अगर ये बबल है तो 2 आएगा। एरिया 4 पाई स्क्वायर है, सॉरी यार। अच्छा, कोई बोला ही नहीं यार इतनी देर से, सॉरी। यहां पर ये 4 पाई स्क्वायर है, 4 है और 4 है, ठीक है। तो अब समझ आ गया, एरिया इंक्रीज क्लियर है, और 2 से मल्टीप्लाई समझ आ गया कि अगर बबल का क्वेश्चन आएगा याद रखना 2 से मल्टीप्लाई होगा हर चीज, ठीक है। अब आंसर मैच करेगा, पहले आंसर 18 पॉइंट समथिंग, अब 36 या 35 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है ना? ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया सा। लो 12th क्वेश्चन पढ़ो।
اس سے پہلے میں کوشچن ابھی سالو کروں دو چیزیں بتانی ہیں. ایک کہ سپوز اگر آپ کو ایم ماس سبسٹانس گیون ہو, ابھی کے لیے یوز کر رہا ہوں اور کرواؤں گا اس کو تھرمو ڈائنمکس میں, ابھی میں صرف اس کانسیپٹ کو یوز کر رہا ہوں, ابھی ٹائم نہیں آیا, تھرمو ڈائنمکس سٹارٹ ہوگا اپنے آپ سمجھ آئے گا یہ فارمولا کہاں سے آیا. ایم ماس کے سبسٹانس کی اسپیسیفک ہیٹ اگر سی ہے اور اگر میں اس کا ٹیمپریچر انکریز ڈیلٹا ٹی کروانا چاہتا ہوں تو مجھے ہیٹ دینی پڑے گی کیو, ہیٹ کا سمبل کیو, تو کیو از اکول ٹو ایم سی ڈیلٹا ٹی. سنا ہوگا شاید آپ نے کیمسٹری میں یا چھوٹی کلاس میں, ٹھیک ہے نا. اب جو ہیٹ ہوتی ہے نا, ہیٹ جب آپ کرو گے کیلکولیٹ, ہیٹ از اے فارم آف انرجی, پر جو ہیٹ نکلتی ہے اس کے یونٹس کیا ہوتے ہیں؟ کیلریز. کیلریز, بٹ اگر مجھے کیلریز کو جول میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کو کرنے کا طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے؟ فار ایگزامپل اگر آپ کو 10 کیلریز ہیٹ گیون ہے اور آپ اس کو جول میں کنورٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کو ملٹیپلائی کرو گے 4.2 کے ساتھ, تو آنسر کس میں آ جائے گا؟ جول میں. اینڈ اگر 10 جول انرجی گیون ہے, آپ اس کو کیلری میں کنورٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کو ڈیوائڈ کرو گے بائی 4.2, تو آپ کا آنسر کس میں آ جائے گا؟ کیلریز میں. ٹھیک, زیادہ کلیئر ہے؟ اب ٹھیک, یہ طریقہ ہے, یہی طریقہ ہے. اب ادھر دیکھو, کبھی کبھی ہم اس 4.2 کو 4.2 نہیں لکھتے, اس کو جے لکھ دیتے ہیں, جے پورا لکھ لو, جوز. جے مینز جوز ایکویلنٹ. اس کی ویلیو کیا رہے گی؟ 4.2 ہی رہے گی, اس کی ویلیو میں کوئی چینج نہیں, اس کی ویلیو ول ریمین 4.2 اونلی. یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جے اس نیومیریکل کے اندر جولز ایکویلنٹ ہے. جولز ایکویلنٹ کا مطلب یہاں پر یہ ہے, کیونکہ ابھی آپ کو یہ ویلیوز تو معلوم نہیں, 4.2 یا 4.2 انٹو 10 کی پاور 3 یا 4.2 انٹو 10 کی پاور 7 کی کیا کرنی ہے, آپ کو کچھ نہیں معلوم. آپ جے یوز کر لو, بس آپ ایک جے فیکٹر یوز کرو کہ اگر آپ کو لیٹ سے 10 جولز ہیٹ گیون ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو کیا کرنا ہے, 10 جول ہیٹ کو کیلریز میں کنورٹ کرنا ہے. اب آپ کو ویلیو تو یاد نہیں, میں بتا رہا ہوں, تو آپ اس کو جے سے ڈیوائڈ کر دو. اپنے آپ ازیومڈ ہے کہ اپنے آپ کس میں کنورٹ ہو جائے گا؟ کیلری میں. جے کی ویلیو پٹ کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ابھی ہم نے تھرمو ڈائنمکس کیا نہیں, اس لیے جے کی فارم میں آنسر آ رہا ہے. اور ایسی اگر 10 جول کی جگہ 10 ارگز ہے تو کوئی بات نہیں, تو بھی آنسر ول ریمین سیم. پر یاد رکھنا یہاں پر جے 4.2 ہے, اور پھر یہاں پر جے 4.2 نہیں ہے, یہاں پر جے کی ویلیو 4.2 انٹو 10 کی پاور سمتھنگ کچھ ہوتی ہوگی. بٹ پوائنٹ کلیئر ہے؟ پر جے کا مطلب کہ کوئی اس کی ریسپیکٹو جو بھی ویلیو پٹ کرنی ہوگی اپنے آپ پٹ کر لینا, اپنے آپ آنسر کس میں کنورٹ ہو جائے گا؟ کیلریز میں. تو جے کا جے سمجھ آیا, کوئی پوچھ رہا تھا جے کا مطلب کیا, سمجھ آ گیا. اب اس میں کوشچن کیا ہے؟ کوشچن ہے, این نمبر آف ڈراپلیٹس آف واٹر, سرفیس ٹینشن ایس, ریڈیس سب کا آر, سنگل ڈراپ بنایا کیپیٹل آر. تو مطلب اس میں این ڈراپس ہیں, این ڈراپلیٹس ہیں, ایک کا ریڈیس چھوٹا آر, کمبائن کیا کیپیٹل آر. کوشچن بعد میں سالو ہوگا, پہلے ولیوم ایکویٹ کر لیں, اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. کینسل کینسل این نہیں کینسل ہوگا, تو یہاں سے میرے پاس کس کی ویلیو آ گئی, یہاں سے این انٹو آر کیو از اکول ٹو کیپٹل آر کیو. ٹھیک ہے نا, یہاں تک ولیوم کو میں نے ایکویٹ کر لیا. اور میں نے آپ کو ایک چیز بتائی ہوئی ہے کہ اگر این ڈراپس ملیں گے, ایک بڑا ڈراپ بنے گا تو انرجی ریلیز ہوگی. ڈراپس اپنے آپ مل جاتے ہیں نا, تو انرجی کیا کریں گے مل کے؟ ریلیز. جو بھی انرجی ریلیز کریں گے وہ بڑے ڈراپ کو ملے گی, اور جو بڑے ڈراپ کو انرجی ملے گی, بڑا ڈراپ اس سے کیا کرے گا, اپنا ٹیمپریچر رائز کر لے گا, موو نہیں کرے گا, اس میں ٹیمپریچر رائز کرے گا. تو آپ کو یہی بتانا ہے کہ اس کا کتنا ٹیمپریچر رائز ہوا, وہ پروف کرو کہ اس کا اتنا ٹیمپریچر رائز ہو گیا. سمجھ آ گیا کوشچن کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا, یہاں تک کتنا ٹیمپریچر رائز ہوا وہ آپ کو نکالنا ہے. تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز, کتنی انرجی ریلیز ہوئی وہ نکال لیں. تو کتنی انرجی ریلیز ہوئی, ایس سرفیس ٹینشن,
टी नहीं है इसमें, ऐसे इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज्ड डिवाइडेड बाय व्हाट, डिक्रीज इन एरिया, क्योंकि एरिया इसमें डिक्रीज हो रहा है, बड़ा ड्रॉप बन रहा है, तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू एस इंटू डिक्रीज इन एरिया। ठीक है ना, यहां तक कोई डाउट इसमें, समझ आ रहा है? या फिर एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू एस इंटू डिक्रीज इन एरिया, कितने एन इंटू फोर पाई आर स्क्वायर का एरिया बढ़े और फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर का एरिया छोटे, एनर्जी रिलीज आ गई। ठीक है ना, यहां तक एरिया को क्या कर दिया, दोनों के ड्रॉप्स के एरिया को क्या कर दिया, माइनस चेंज इन एरिया। नवीन, हर क्वेश्चन में तो एक ही स्टेप लग रहा है, समझना क्या है, इसमें ड्रॉप्स कंबाइन ही हो रहे हैं, तो सेम ही क्वेश्चन है हर केस में। ठीक,
यहां तक क्लियर है जो मैंने किया? तो ये देखो एनर्जी की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, एनर्जी रिलीज की ये वैल्यू निकाली मैंने, 4π कॉमन निकालो और क्या करना है। अब ये एनर्जी कौन लेगा? एक बड़ा ड्रॉप लेगा जिसका रेडियस क्या है आर, लेट से इसका मास कितना है एम। तो ये किस फॉर्म में, क्योंकि इसका लेट से राइजिंग टेम्परेचर डेल्टा थीटा है, तो इसको कितनी एनर्जी चाहिए? डेल्टा थीटा टेम्परेचर राइज हो गया अगर इसका, तो एमसी डेल्टा थीटा। ये पॉइंट क्लियर है? इतनी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, और ये एनर्जी किस फॉर्म में मिलनी चाहिए ड्रॉप को? एमसी डेल्टा थीटा की फॉर्म में, ताकि उसका टेम्परेचर कितना राइज हो गया बाय डेल्टा थीटा। तो मैं काम करता हूं, इसमें मैंने क्या लिखा, एमसी डेल्टा थीटा राइज इन टेम्परेचर, थीटा लिख लो चाहे, डेल्टा मत लिखो चाहे, थीटा इज राइज इन टेम्परेचर। मास का मतलब ये किसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, बड़े ड्रॉप का मास इज बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम इनटू बड़े ड्रॉप की डेंसिटी, और डेंसिटी क्या होती है वाटर की, 1। ये पॉइंट क्लियर है? मास की जगह वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। एंड याद रख लेना एक और चीज, स्पेसिफिक हीट भी वाटर की क्या होती है, 1। अच्छा है, अलग अलग वैल्यू याद नहीं करनी पड़ेगी, 1 ही 1 है सब कुछ। पानी के लिए डेंसिटी भी 1 है और स्पेसिफिक हीट भी 1 है, याद रखना पड़ेगा। लेकिन 1 स्पेसिफिक हीट जो होती है 1 कैलोरीज पर ग्राम होती है, कैलोरीज। तो इसका मतलब हीट भी किसमें आएगी, कैलोरीज में। जो स्पेसिफिक हीट के यूनिट्स कैलोरीज है, तो हीट के यूनिट भी कैलोरीज, और वैसे भी हीट किसमें कैलकुलेट की जाती है, इन कैलोरीज। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ये स्टेप क्लियर है? तो यहां पर मैंने मास की जगह वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, एम सी थीटा, और अभी बताया था जो एनर्जी रिलीज्ड हमने निकाली हुई है, जो एनर्जी रिलीज निकाली हुई है उसके यूनिट्स किसमें चल रहे हैं, लेट से जूल्स में, और इसके यूनिट्स किसमें चल रहे हैं, कैलोरीज में। तो एक काम करो, आप इसको जे से मल्टीप्लाई कर दो, बताया था ना जे फैक्टर, अब जे से मल्टीप्लाई करोगे कैलोरीज ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो गया, जूल्स में। अब आप एनर्जी रिलीज्ड को इस एमसी डेल्टा थीटा से इक्वेट कर सकते हो। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ये बात सबको समझ आ रही है? जो एनर्जी रिलीज्ड हुई, इतनी एनर्जी रिलीज्ड हुई, इतना एमसी डेल्टा थीटा है, और दोनों को इक्वेट कर लिया। और याद रखना, इसलिए इसको जूल में कन्वर्ट किया क्योंकि जूल्स, जो जूल्स हैं वो जूल्स के साथ ही इक्वेट हो सकते हैं। जूल्स कैलोरी के साथ इक्वेट नहीं होंगे, यूनिट से प्रॉब्लम है ना, ग्राम केजी के साथ कैसे इक्वेट होगा? तो उसी तरीके से अगर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा है, जूल चल रहा है, तो राइट हैंड साइड में भी क्या चलना चाहिए, जूल ही चलना चाहिए, तभी जे से मल्टीप्लाई किया। पॉइंट क्लियर है सबको यहां तक? ये स्टेप सबसे मेन स्टेप है, समझ आ गया, जिसमें ये एनर्जी रिलीज्ड है, एनर्जी रिलीज्ड है, और ये आपके पास क्या है, हीट है, ठीक है, यहां तक इक्वेट कर लिया। तो थीटा एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। थीटा की वैल्यू आ गई। एक चीज देखो ध्यान से, कैपिटल आर क्यूब इससे और इससे डिवाइड कर लो। आगे देखो, कैपिटल आर क्यूब को दोनों के साथ डिवाइड करोगे तो यहां पर 1/r आ जाएगा, यहां पर आर क्यूब। ये स्टेप क्लियर है सबको? ये फर्स्ट स्टेप क्लियर है, कैपिटल आर क्यूब दोनों के नीचे आ गया, सेकेंड स्टेप भी क्लियर है। और शुरू में हमने निकाला था कि कैपिटल आर क्यूब और स्मॉल आर क्यूब में ये रिलेशन है, तो मैं इस कैपिटल आर क्यूब की जगह पुट कर सकता हूं एन इंटू स्मॉल आर क्यूब। जो प्रूव करना है वो आंसर आ जाएगा। शुरू में वॉल्यूम इक्वेट किया था ना, और वॉल्यूम इक्वेट करने से क्या है, कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू एन टाइम स्मॉल आर क्यूब किया था, समझ आ रहा है, ठीक है ना? यहां तक इसके बाद तो मैथ्स है, बस वैल्यू पुट कर दी, इलिमिनेट कर दिया, आंसर आ गया राइज। बट कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हीट रिलीज हुई, उस हीट रिलीज को एमसी डेल्टा थीटा में कन्वर्ट कर लिया गया, वहां से डेल्टा थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है यहां तक?
नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, आज हमने एक्सेस प्रेशर्स पढ़ने हैं दोनों के, बाकी जो बचा हुआ टॉपिक रह जाएगा वो नेक्स्ट टाइम क्लोज हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट टाइम आपका सरफेस टेंशन क्लोज है सारा, फिर उसके बाद आराम से आप पेपर देना, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करूंगा एक दो लेक्चर, और फिर हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। पर अभी नहीं, आराम से, अभी आप पढ़ नहीं पाओगे थर्मोडायनेमिक्स, अभी आप आराम से इसकी तैयारी करो। देखो, सबसे पहली चीज, किसी भी लिक्विड की तीन तरीके की सर्फेसेस एग्जिस्ट करती हैं। ध्यान से देखो, कोई भी लिक्विड है वो तीन शेप में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे ट्यूब के अंदर लिक्विड है, कई बार लिक्विड ऐसे होता है बिल्कुल फ्लैट, इसको प्लेन सरफेस बोलते हैं। कई बार लिक्विड ऐसे होता है यहां पर, और नॉर्मली आपके लिक्विड ऐसे ही होते हैं। अगर आप एक ट्यूब के अंदर पानी भी डाल दो तो वो फ्लैट कभी नहीं होगा, वो ऐसे होगा, शेप उसकी नीचे की होगी। और कई लिक्विड्स ऐसे होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं। इसका एग्जाम्पल मरकरी है, मरकरी की शेप ऊपर की तरफ होती है, वाटर की शेप इस तरीके की होती है। इसकी शेप, ये किसकी शेप है? फ्लैट हो सकती है शेप, प्योर वाटर बोल सकते हो क्योंकि वो नॉर्मल वाटर है। आम पानी ऐसे होता है, जो बहुत प्योर वाटर होता है उसकी शेप, उसका इसको मेनिस्कस बोलते हैं, शेप नहीं बोलते, मेनिस्कस इज अ शेप ओनली। तो इसका मेनिस्कस उतना कर्व नहीं होता, थोड़ा फ्लैट की तरफ चला जाता है। तो बेसिकली ये तो अब नेचर है लिक्विड की, वो जैसे हैं वैसे ही है। तो बेसिकली तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही और कुछ भी नहीं नीचे की तरफ। तो अट्रैक्टिव फोर्सेज कैसी हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इंट्रा और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज कैसी हैं, कि वो कैसा मेनिस्कस एक्वायर करेगा, उससे हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें एक इस तरीके की जो शेप होगी, इस तरीके की जो शेप है इसको कनकेव शेप बोलते हैं। मरकरी वाला एग्जांपल है जैसे, उस तरीके की शेप को क्या बोलते हैं? कन्वेक्स बोलते हैं। और फ्लैट को हम क्या बोलते हैं? प्लेन सरफेस बोलते हैं। अब हम करने क्या वाले हैं? एक्सेस प्रेशर। देखो एक्सेस प्रेशर बीच में कैसे आ गया, थोड़ा ध्यान से सुनना। हिसाब किताब का, सिर्फ हिसाब किताब है छोटा सा, अगर वो दिमाग में आ गया और समझ आ गया तो कोई टेंशन नहीं, नहीं तो फिर टेंशन ही टेंशन है। ठीक, वैसे भी चैप्टर का नाम सरफेस टेंशन है। ठीक, तो टेंशन वर्ड ऐसे ही रखा गया, ये आपको ऑब्जेक्टिव में टेंशन देगी। देखो ध्यान से देखना, मैंने एक बबल ब्लो किया, एक बबल है। ठीक, अब सपोज करो अगर ये बबल है, इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इसको एक बार ध्यान से देखना। एक फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ है बबल। एटमॉस्फेयर की फोर्स की जगह मैं ऐसे बोलूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हर चीज को दबाने की कोशिश करेगा, तो ये चाहेगा कि बबल छोटा हो जाए, छोटा हो जाए, छोटा हो जाए, प्रेशर है। अब एक और फोर्स है जो चाहती है कि बबल छोटा हो, और वो फोर्स कौन सी है? फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या करती है? एरिया को मिनिमाइज, एरिया मींस पूरा बबल छोटा 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 करने की कोशिश करेगी। मधुर समझ आ रहा है कौन सी फोर्स है? ओह, तो इसमें फोर्स ऑफ व्हाट? सरफेस टेंशन। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहेगा कि बबल छोटा हो, सरफेस टेंशन की फोर्स चाहेगी कि बबल छोटा हो। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इनवर्ड्स बना लूं, और फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन जो भी होगी उसको बबल के एरिया से डिवाइड कर लेना, तो क्या आ जाएगा? प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, फोर्स है तो समझो प्रेशर भी है। तो देखो, या तो फोर्स 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 में काम करो, या प्रेशर 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 में, ऐसे मत काम करो कि आधी चीजें फोर्स में आधी चीजें प्रेशर। तो इसलिए मैंने सरफेस टेंशन की फोर्स की जगह सरफेस टेंशन का प्रेशर वर्ड यूज कर दिया। तो अब
एटमोस्फेरिक प्रेशर चाहता है कि बबल छोटा हो, सरफेस टेंशन का प्रेशर चाहता है कि बबल छोटा हो, लेकिन आप किसी भी बंद चीज को अगर आप उसका उसको छोटा करने की कोशिश करोगे तो उसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा? प्रेशर। अब गैस है, पिस्टन लगा हुआ है, सिलेंडर में गैस है, पिस्टन दबा दो तो गैस के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा? प्रेशर। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, इसके अंदर प्रेशर डेवलप हो जाएगा किस तरफ? आउटसाइड। प्रेशर आउटसाइड डेवलप हो गया, जिसका नाम पीआई बोलते हैं। पीआई मींस अंदर का प्रेशर। तो अंदर का प्रेशर अपने आप डेवलप शुरू होना शुरू हो जाएगा, और जो जो क्या चाहता है कि बबल छोटा ना हो। ठीक है ना? यहां तक तो तीन प्रेशर नजर आ रहे हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंगली, एटमोस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंगली बबल इन्वर्ट हो जाए, सरफेस टेंशन का प्रेशर चाहता है बबल इन्वर्ट हो जाए, बट इनसाइड का प्रेशर इन दोनों प्रेशर को क्या कर लेगा? बैलेंस कर लेगा। और अगर ये बैलेंस करेगा तो बबल इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा, और बबल कभी छोटा बड़ा नहीं होता, इक्विलिब्रियम में ही होता है। इसका मतलब ये तीनों प्रेशर आपस में क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। समझ आ रही है बात? क्लियर है यहां तक? तो एक चीज तो क्लियर है, अंदर का प्रेशर जो होगा वो बाहर के प्रेशर से ज्यादा होगा। देखो दो मेन प्रेशर है, एक तो आपका इनसाइड प्रेशर है, एक एटमोस्फेरिक प्रेशर है। तो अगर मैं ये पूछूं कि बबल के इनसाइड का प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से कितना बड़ा है, कितना बड़ा, इतना बड़ा है, इतना ही बड़ा है, तो ये इस टर्म को बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। टॉपिक आ गया ना नेक्स्ट, एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर मींस एक्स्ट्रा प्रेशर, किससे एक्स्ट्रा प्रेशर? एटमोस्फेरिक प्रेशर से एक्स्ट्रा प्रेशर, और किसका प्रेशर? बबल के अंदर का प्रेशर। समझ आ गया क्या निकालना है? तो मुझे बबल के अंदर का प्रेशर निकालना है कितना ज्यादा है एज कंपेयर टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक करें सॉल्व कैसे? देखो इसको करने के लिए एक्सेस प्रेशर पहले पहले पहला कौन सा केस लिया? इनसाइड अ ड्रॉप। तो प्लीज ड्रॉप पे ना थोड़ा स्टार लगा लेना, और नेक्स्ट टॉपिक पे भी स्टार लगा लेना, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल। फर्क है, ड्रॉप है और दूसरा बबल है। कई बार पेपर में आ जाते हैं एक्सेस प्रेशर ड्रॉप का, आप बिना देखे बबल का कर दोगे, बबल का आएगा ड्रॉप का कर दोगे, तो ध्यान से करना है। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? करें स्टार्ट। तो देखो ध्यान से देखना, सपोज सपोज एक मैं एक एक करके प्रेशर लूंगा, इकट्ठा नहीं लूंगा, ध्यान से सुनना। सपोज एक बबल है, एक बबल के बाहर की तरफ प्रेशर है पी नॉट एंड इनसाइड प्रेशर है पी आई। ठीक है, कोई डाउट इसमें? मान लो एक मिनट के लिए सरफेस टेंशन का प्रेशर नहीं है अभी, मान लो छोड़ दो, तो पी आई इज ग्रेटर देन पी नॉट। ठीक है ना? तो पी आई बबल को छोटा नहीं करेगा, पी आई बबल को बड़ा कर देगा। ठीक, पी आई जो है वो बबल को क्या कर देगा? बड़ा कर देगा। तो सपोज रेडियस ऑफ ड्रॉप इंक्रीज फ्रॉम आर टू आर प्लस डेल्टा आर। तो मतलब पहले रेडियस आर था, अब कितना इंक्रीज हो गया भाई? डेल्टा आर। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस पी आई माइनस पी नॉट। अब चिंता ना करो कि ये इतना बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि अभी एक और प्रेशर आ जाएगा सरफेस टेंशन जो इनको रोक देगा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगा। तो बाद में, अभी नहीं, एक एक करके लेंगे। तो पहले कितना प्रेशर लगाया पी आई माइनस पी नॉट ने, वो हमने निकाल लिया। तो पी आई माइनस पी नॉट इज द प्रेशर डिफरेंस, एंड कितने एरिया सरफेस एरिया के ऊपर लग रहा है? 4πr2। तो कितनी फोर्स लगाई पी आई माइनस पी नॉट ने? प्रेशर इंटू एरिया। ठीक, तो प्रेशर इंटू एरिया का मतलब है फोर्स। इतनी फोर्स लगाई इन प्रेशर डिफरेंस ने, और क्या किया? डिस्प्लेसमेंट कितनी प्रोड्यूस कर दी बबल की? डेल्टा आर, या ड्रॉप की? डेल्टा आर। तो फोर्स इनटू ये जो टर्म है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? वर्क डन। तो स्मॉल वर्क डन किया किसने? पी आई माइनस पी नॉट ने। पी आई माइनस पी नॉट ने स्मॉल वर्क डन किया क्या करने में? डेल्टा आर डिस्प्लेस करने में। ठीक हो गया। अब इतना ही वर्क डन, अगर आप चाहते हो कि बबल या ड्रॉप और बड़ा ना हो इन प्रेशर डिफरेंस की वजह से, तो मुझे क्या करना चाहिए कि दिस स्मॉल वर्क इज डन बाय एक्सेस ऑफ प्रेशर, दैट इज पी आई माइनस पी नॉट अगेंस्ट
अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन. ये क्यों क्यों प्रेशर्स एक्ट कर रहे हैं, ये प्रेशर डिफरेंस क्यों हुआ? क्योंकि सरफेस टेंशन ने बबल को क्या करना शुरू कर दिया था, छोटा. उसको बैलेंस करने के लिए इतना वर्क डन करना पड़ा ताकि सरफेस टेंशन का वर्क डन इतना ना हो जाए कि ड्रॉप छोटा 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 होना शुरू हो जाए. ऐसा नहीं होता ना, रुक जाता है ना, रुकता इसलिए क्योंकि जो प्रेशर डिफरेंस आउटसाइड है इज बैलेंस्ड बाय सरफेस टेंशन का वर्क डन. ठीक, तो सरफेस टेंशन का वर्क डन इज सपोज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा यू. डेल्टा यू एनर्जी, और हमने डिस्कस किया हुआ है कि सरफेस एनर्जी टी इज वर्क डन या एनर्जी डिवाइडेड बाय व्हाट, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, या फिर एनर्जी इज इक्वल टू टी इनटू व्हाट, इंक्रीज इन सरफेस एरिया. एनर्जी को डेल्टा यू लिख लो, टी इनटू, अब इंक्रीज इन सरफेस एरिया अगर निकालना है तो पहले एरिया कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर, अब एरिया कितना है, 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर. डेल्टा आर चेंज हुआ तो चेंज इन एरिया आ गया. ये स्टेप सबको समझ आ गया, दिस इज वर्क डन बाय सरफेस टेंशन ऐसे बोल सकते हैं, और एनर्जी ड्यू टू सरफेस टेंशन. एक ही बात है, एनर्जी और वर्क डन कोई फर्क नहीं. अगर आपने डेल्टा डब्ल्यू लिखना है इसको डेल्टा डब्ल्यू भी लिख सकते हैं. क्लियर? और मैंने आपको क्या बताया कि इसमें सबसे पहले चीज ये इंक्रीज इन एरिया, इसको ओपन कर लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, ये टर्म आ गई, ये टर्म इससे कैंसिल हो गई. डेल्टा आर बहुत छोटा है, डेल्टा आर का स्क्वायर बहुत ज्यादा स्मॉल है, इट कैन बी निगलेक्टेड. तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा टी इंटू व्हाट, एट. आपके पास बचा टी इंटू एट बाई आर इंटू डेल्टा आर. स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? बस आंसर आ गया. आपने करना क्या है, एक प्रेशर ये वर्क डन किसका, प्रेशर डिफरेंस का, ये वर्क डन किसका, सरफेस टेंशन का. और अब हमने अभी डिस्कस किया था कि प्रेशर का जो वर्क डन होगा दैट शुड बी बैलेंस बाय वर्क डन बाय सरफेस टेंशन, तो जाके आपका ड्रॉप किस में आएगा, इक्विलिब्रियम में आएगा. ठीक है, यहां तक इक्वेट कर दिया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा, टू डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल, आंसर आ गया पी आई माइनस पी नॉट टू टी बाई आर. यहां तक क्लियर है? तो प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई, टू टी बाई आर. ठीक, और उसी तरीके से इसमें क्या किया, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इनसाइड अ लिक्विड बबल. बबल के केस में यहां तक आपका एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है, फर्क यहां पर है. जब बबल के केस में एनर्जी निकलती है, जो भी आपका ड्रॉप में आंसर आया था उसको टू से मल्टीप्लाई कर देना, बिकॉज बबल के केस में दो फ्री सर्फेसिस हैं, तो टू फैक्टर इसमें आएगा. ड्रॉप के केस में एक फ्री सर्फेस थी, बबल के केस में दो फ्री सर्फेस, टू लग गया, बस ठीक है, बाकी एवरीथिंग इज सेम, कुछ नहीं करना. आपके आंसर में भी टू टी बाई आर की जगह 40 बाई आर. ठीक, कोई डाउट इसमें? समझ आ रहा है? काम हम वही कर रहे हैं जो मैं शुरू से बता रहा हूं कि ये P नॉट है, ये प्रेशर ड्यू सरफेस टेंशन है, ये P I है. तो P नॉट PT TI PI P नॉट PT, ये तो प्रेशर की फॉर्म में है, वर्क डन की फॉर्म में, कि वर्क डन बाय प्रेशर डिफरेंस, वर्क डन बाय सरफेस एनर्जी. तभी तो डेल्टा U और डेल्टा W को क्या किया मैंने, इक्वेट किया. कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? ठीक है, फिर लास्ट इसमें फाइनली कैपिलरी. और कैपिलरी के अंदर कुछ नहीं करना आपने, कैपिलरी एक्शन मींस कि लिक्विड का अपने आप राइज हो जाना ट्यूब में, इज अ कैपिलरी एक्शन. कैपिलरी के अंदर सिर्फ एक चीज सीखने वाली है और वो है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या चीज है, सपोज करो ये एक ट्यूब है, आपका लिक्विड का मेनिस्कस ये है, लिक्विड ऐसे है, मान लो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है कि अगर आप ये पॉइंट लो, ये पानी का पार्टिकल लो, और यहां पर सरफेस टेंशन की डायरेक्शन जो होगी वो कैसी होगी, टेंजेंट. सरफेस टेंशन इज ऑलवेज टेंजेंट टू अ कर्व सरफेस टी. ये वेक्टर ने, सरफेस टेंशन वेक्टर ने कितना एंगल बनाया किसके साथ, ट्यूब के साथ, थीटा, इसको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं. तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज द एंगल
between the tangent drawn at the surface of water and tube. Tube ke beech mein jo angle hai. Ab kai liquids ka jo meniscus hai wo ulta hota hai. Mercury jaise ka aisa hota hai. Ye raha. To iske upar tangent kaha draw karega? Upar. To angle kya aayega? Theta. Which is greater than 90. To mercury ka angle greater than 90. Normal water ka angle less than 90. Par angles हमें सोचने की जरूरत नहीं होती बिकॉज एंगल हमेशा हमेशा क्वेश्चन में हमें गिवन होते हैं. एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट हमेशा गिवन होंगे. तो इसके बेस पे हम नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे आपका